ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान उवाच, एक योगी सदा परमात्म सुखों में तल्लीन रहता है, वो प्रभु प्रेम में भी मग्न रहता है, और जो आत्मा प्रभु प्रेम में मग्न है उसके पास माया आ नहीं सकती। कोई व्यक्ति भी अगर बुरी नजर से आएगा तो वो आ ही नहीं सकेगा, दूर से ही चला जाएगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं, वो उसके चारों ओर छत्र छाया बना। परमात्मा प्यार इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। देहधारियों के प्यार में तो कष्ट मिलता है, आजकल संबंधों में भी किसी किसी को सुख बहुतों को दुख मिल रहा है, लेकिन परमात्मा प्यार हम सभी को इन संसार के दुखों से ऊपर ले चलता है। और सुख सुखों के तो कहने ही क्या, परमात्मा सुख से आत्मा भरपूर हो जाती है। हमें अपने जीवन में इन अतिंद्रिय सुखों को सदा ही अनुभव करते रहना है। ये सुख इतने बड़े हैं कि इनके समक्ष संसार के सभी सुख धन संपदा सब फीकी लगने लगती है। तो आइए हम इन सुखों का निरंतर रसास्वादन करें। एक योगी साक्षी दृष्टा होता है, वो प्राण होता है, वो हर चीज से प्रभावित नहीं होता, हर चीज को देखकर, हर घटना को देखकर, हर व्यक्ति को देखकर वो क्या क्यों के क्वेश्चंस में नहीं उलझता, बल्कि साक्षी होकर उन्हें सकार देता है। बाबा का बहुत ही सुंदर महावाक्य है, यदि तुम बाप समान बनना चाहते हो तो जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो, और जैसे मैं सबको सकास देता हूँ तुम भी सबको सकास दो। तुम्हारी सुभावनाएं, तुम्हारी आत्मिक वृत्ति सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दिलाती रहेगी, इससे बहुत बड़ी सेवा होगी और हम संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम रहेंगे। ये उपराम स्थिति हमें संपूर्णता के समीप ले चलेगी। हम जरा अपने भविष्य स्वरूप का एक सुंदर विजन बनाएं। हमारे सामने हमारा संपूर्ण स्वरूप है, चित्र बनाए जरा, निरंतर योग युक्त बुद्धि संसार में कहीं नहीं, चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, चेहरे पर दिव्य तेज है, हम 16 कला संपूर्ण और हमारी डिग्री 100 तक पहुंच रही है। ये है हमारा संपूर्ण स्वरूप, बाप समान स्वरूप। ये स्वरूप सामने खड़ा होकर हमारा आह्वान कर रहा है, आओ मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। और धीरे धीरे ये संपूर्ण स्वरूप हमारी ओर बढ़ता है और हम में समा जाता है। हम संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण अहिंसक, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से युक्त डबल ताजधारी बन जाते हैं। ये एक योगी की स्थिति है। ब्रह्मा बाबा जैसे इस धरा पर विचरण करते हुए भी ऐसे विचरण करते थे मानो यहाँ है ही नहीं, जैसे कि ये दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं है। एक श्रेष्ठ योगी की स्थिति भी यही होती है। कर्म करते, धंधे करते हुए मनुष्य इस तरह उपराम हो जाता है, लेकिन इसके लिए चाहिए संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण साक्षी दृष्टा स्थिति। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, सबको पार्ट पूरा करके घर वापस चलना है। जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सत्य है, ये डाना बहुत सुंदर है, अब ये खेल पूरा हो रहा है, हमने हीरो पार्ट बजाए। इस तरह के स्वदर्शन चक्र की स्मृति में स्थित आत्मा योग युक्त हो जाती है।
तो आज सारा दिन हम अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करेंगे और अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करके छठा स्वरूप ये भी जोड़ेंगे। खेल पूरा हुआ। अब मैं आत्मा यदे छोड़कर उड़ती हुई जा रही हूँ अपने धाम। बैठ गए डीप साइलेंस में। ओम शांति।